बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का पहला अध्याय, जो कि है आपके कबीरदास जी, उनकी साखियां हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उनके शबद पढ़ेंगे। बच्चों, शबद शब्द का तद्भव रूप है शबद। कबीरदास जी के परिचय के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के डर से, यानी समाज के डर से, इन्हें लहर तारा नामक झील के पास में वो छोड़ आई थी, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति गुजर रही थी, जो कि निसंतान थी। उन्होंने इन्हें ले लिया और इनका लालन पालन किया, इन्हें बड़ा किया और उन्होंने ही इनका नाम कबीर रखा। वो जो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान, जैसे इनका नाम था वैसे ही इन्होंने काम किया। इन्होंने एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में उभर कर आए थे और इनको कई बार, उस समय जो राजा थे उनका एक नौकर था शेख तकी, उन्होंने इन्हें कई बार मारने का प्रयास किया था। इन्हें गरम गरम खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया था, उसमें भी ये जीवित बच गए थे। इनके पत्थर बांध करके इन्हें नदी में डाल गया था तो भी ये बच गए थे। इनकी झोपड़ी को जला दिया गया था, इन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी ये बच गए थे। अर्थात इन्हें बहुत प्रकार से, हिंदू और मुसलमान दोनों को ये एक मानते थे, किसी प्रकार का ये धर्म अलग अलग नहीं मानते थे। इन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया अपने काव्य के माध्यम से। मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने, मंदिर मस्जिदों में जाने का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा, अगर आपको ईश्वर को ढूंढना है, अगर आपको परमात्मा को पाना है, ठीक है, तो कबीर दास जी के बारे में हमने ये बातें जानी। कबीर दास जी ने जो अपने अनुभव लिखे, उन अनुभवों के माध्यम से इनके शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया, जो कि कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। उसमें साखी, शबद और रमैनी, तीन खंडों में इनकी रचनाओं को बांटा। साखी यानी इन्होंने जो समाज में देखा, उन चीज़ों को देख करके प्रत्यक्ष इन्होंने उसका वर्णन किया। शबद इनको शब्दों के माध्यम से, और रमैनी एक अलग चीज़ है जो हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो अब हम इनके शबद देखते हैं। शबद यानी कि पद। ये पहला वाला जो पद है इनका, पहला वाला जो शब्द है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग बाग हिंदू है मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान जो है मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन ईश्वर को ढूंढने आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो हमारे मन में निवास करता है। आपको अपने अंतर में झांकने की जरूरत है। अगर आपने अपने अंतर में झांक करके उस ईश्वर की पहचान कर ली, तो आपको किसी भी देवालय में, किसी भी मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ ईश्वर खुद कह रहा है, ईश्वर अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो बंदे, हे प्राणी तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं देवल यानी देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिदों के अंदर हूँ, ना मैं काबे यानी काबुल में हूँ, और ना ही मैं कैलाश के अंदर वास करता हूँ। काबुल में मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और कैलाश के अंदर हमारे हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल है, ठीक है। तो ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिदों में हूँ, ना मैं काबुल में निवास करता हूँ, ना ही मैं काशी में निवास करता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यानी जो मुसलमान होते हैं वो रोजे रखते हैं, ठीक है, वो अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, और हिंदू जो होते हैं वो हर कार्य को लेकर के क्या करते हैं, वो लोग धार्मिक क्रियाकर्म कहते हैं, जैसे कि हवन करते हैं, रामायण के पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कर्मकांडों के ये बिल्कुल विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार के क्रियाकर्म में विश्वास नहीं रखता, मैं योग वैराग्य, कुछ लोग सन्यासी बन करके गृहस्थी जीवन छोड़ करके, त्याग करके भगवान का स्मरण करते हैं। ईश्वर कहता है कि मैं उससे भी प्राप्त नहीं होता, कि मैं ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना तो तुम मुझे कोई क्रियाकलाप करके प्राप्त कर सकते हो, ना ही तुम मुझे योग और वैराग्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, अगर खोजने वाला है तो उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में मैं उसे पल भर की तलाश के अंदर ही मिल जाता हूँ। आप ढूंढने का प्रयास ही करोगे तो कुछ ही पल में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु लोग, हे संतो सुनो, ईश्वर जो होता है वो हर व्यक्ति की सांस के अंदर निवास करता है। वो जैसे जैसे श्वास लेता है, जब जब श्वास लेता है, तब तब परमात्मा उसके अंदर विराजमान होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, हमारी जो वायु होती है वो कहाँ से निकलती है, हृदय से, मतलब हमारे जो अंतर होता है उससे पंप होती है, तो उसी का संचार हमारी पूरी बॉडी में होता है, पूरे शरीर के अंदर होता है। तो उसी प्रकार परमात्मा जो है वो कहाँ निवास करता है, हमारे मन में निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है, और खोजने वाला व्यक्ति यदि है तो उसे वो पल भर की तलाश के अंदर ही
मिल जाते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए आपको किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह आपको आपके पास ही, आपके अंतर में, आपके मन में मिल जाते हैं। दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब यहाँ पर कबीर दास जी ने जो बताया, जब हम किसी अपने अंतर में झांक के देखते हैं, अपने मन में झांक करके देखते हैं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हम में ज्ञान जागृत होता है। और जब वो ज्ञान जागृत होता है तो क्या परिस्थिति आती है, देखो वो इस वाले शब्द में बताया इन्होंने कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। हे संत भाइयों, हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान रूपी आंधी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पूरे में रूपक अलंकार है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। उस आंधी ने, उस ज्ञान रूपी आंधी ने भ्रम रूपी टाटी को उड़ा दिया। भ्रम रूपी टाटी क्या होती है बच्चों? हम गांव में कच्चे घर देखते हैं, तो कच्चे घर में जो घास फूस का प्रयोग किया जाता है ना छत बनाने के लिए, उसे टाटी कहा जाता है। तो जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, तो क्या होता है, उस तूफान में वो छत उड़ जाती है। ठीक है, तो वो छत जब उड़ जाती है तो वह छत कैसी बनी हुई है? वो भ्रम की टाटी से बनी हुई छत है। आंधी कैसी है? ज्ञान रूपी आंधी है। तो घे संतो, ज्ञान रूपी आंधी के आने पर भ्रम रूपी टाटी उड़ गई, और उस टाटी को बांधने के लिए जिस माया रूपी बंधन का, माया रूपी रस्सी का प्रयोग किया था, वो भी नहीं रही। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हित चित्त यानी कि हृदय रूपी चित्त को, यानी चित्त को सेंटर में करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार छत को रोकने के लिए, यानी कच्चे घरों की छत को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए दो खंबे लगाए जाते हैं जिनके ऊपर उसको टिकाया जाता है। तो वो खंबे क्या है? थूनी, दो थूनी। तो उन वो खंबे भी गिर गए उस आंधी के वेग से। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा क्या होता है? जो बीच में सपोर्ट के लिए लंबी डंडी या बांस लगाया जाता है उसे बलिंडा कहा जाता है। ठीक है, तो थूनी दो स्तंभ जिसके ऊपर वो टिकी हुई होती है, और बीच में सपोर्ट देने के लिए जिस बलिंडे का प्रयोग किया जाता है, वो मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, तृष्णा रूपी छान जो थी वो दूसरे के घर पे जाकर गिर गई। जब हमें अहंकार या जो भी दुर्गुण जो थे वो हमारे खत्म हो गए, तो हमारे जितने भी गुण दुर्गुण थे वो कहाँ जाके गिरे? पड़ोस वाले घर में जाके गिरे। कुबदी का भांडा फूटा, और जब हमारे सर पे से छतें निकल गई, तो हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो बाहर का व्यक्ति जिसका घर ऊंचा है वो आराम से देख सकता है। तो वही यहाँ पर हुआ, कुबदी का भांडा फूट गया। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्च चुवे ना पानी। अब उस छत को बांधने का प्रयास कौन कर रहे हैं? अपने योग से संत लोग प्रयास कर रहे हैं उसको बांधने का, ताकि उसमें से बिल्कुल भी पानी ना छुए। यानी बरसात के मौसम में आंधी जब आ रही है तो हो सकता है बरसात भी आए, तो उसको दोबारा बांधने का कार्य कौन कर रहे हैं? संतजन कर रहे हैं। और संतजन उसको इस प्रकार से बांध रहे हैं ताकि उसमें से बिल्कुल भी पानी ना टपक सके, यानी कुछ भी लीकेज ना हो उसके अंदर। कूड़ कपट का आया का निकसिया, हर की गति जब जानी। कि कूड़ा रूपी जो कपट था हमारे मन में, ठीक है, हमारी काया से निकल गया। ठीक, ज्ञान रूपी आंधी जब आई, उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या हुआ बच्चों? भ्रम रूपी टाटी उड़ गई। ठीक है, टाटी जो थी किसकी बनी हुई थी? भ्रम की बनी हुई थी। मोह रूपी, माया रूपी जो रस्सी थी जिसको हमने बांधने के लिए प्रयोग नहीं किया था, वो भी हट गई। हम भ्रम रूपी टाटी उड़ गई। फिर हित चित की दो थूनी जो थी हृदय रूपी, वो थूनी भी हट गई, टूट गई। फिर मोह रूपी बलिंदा टूट गया, तृष्णा रूपी छत उड़कर कहीं और चली गई, फिर कुबदी रूपी बांधा फूट गया। और जब ये सब चीजें खत्म हो गई, यानी जब अज्ञान समाप्त हो गया, तब उस अज्ञान के समाप्त होने के बाद में संत लोगों ने प्रयास किया उसको दोबारा से बांधने का, और उसको बांधने का इतना अच्छा प्रयास किया ताकि वहां से बिल्कुल भी पानी ना रिस सके, बिल्कुल भी रिसाव ना हो उसके अंदर से। और जब ऐसा हुआ तो कूड़ा रूपी कपट जो है, कपट को कैसा बताया यहाँ पे? कूड़ा कचरा बताया। तो जब हमें ज्ञान का संचार होगा, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो जो कूड़ा था, कपट था, वो हमारे शरीर से, हमारी काया से निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब भगवान की गति को जाना, जब ईश्वर की गति को जाना, तो सारे के सारे जो दुर्गुण थे वो अपने आप समाप्त हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीनी। यहां पर वर्णन कर रहे हैं कवि, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी आने के बाद में, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश होने के बाद में, ज्ञान रूपी वर्ष आंधी के चले जाने के बाद में जो जल बरसा,
वो आनंद देने वाला था। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान रूपी आंधी से क्या हुआ बच्चों, हमारे जो मन, हमारे जो शरीर में जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी अवगुण थे, वो सारे समाप्त हो गए। और जब अवगुण समाप्त हो गए तो प्रेम, हरि का प्रेम उनको मिल गया, यानी ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो गई। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमकीना, कबीरदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं जिस प्रकार आंधी जाने के बाद में, यानी वर्षा होने के बाद में जो सूर्य होता है, जिस प्रकार सारे अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी आंधी के आने से मन के, यानी मनुष्य के मन के जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी अवगुण थे, वो सारे के सारे अंधकार के जैसे समाप्त हो गए और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कक्षा 9 पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला काव्य खंड, पहला जो काव्य था हमारा कबीरदास जी, वो समाप्त हुआ। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।